अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए। कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं और हमको ऐसा ऐसा लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, द वैक्सीन वॉर के जो ट्रेलर लॉन्च का इवेंट था, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पाटेकर जी ने जो एक बात कही थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म को उन्होंने देखा और उस फिल्म को उनसे देखा नहीं जा रहा था, असहनीय थी वो फिल्म और घिनौनी, घिनौना ये शब्द भी नाना पाटेकर जी ने उपयोग किया था उस फिल्म के लिए। तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर सब जगह चर्चा होने लग गई कि भाई अभी तो जवान फिल्म सक्सेसफुल हुई है, तो नाना पाटेकर जी ने जवान फिल्म के बारे में ये बात कही कि उनसे वो फिल्म देखी नहीं जा रही थी, घिनौनी थी वगैरह, ये शब्द उन्होंने जवान फिल्म के बारे में कहा, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। हालांकि जो कुछ मीडिया हाउस है उन्होंने आर्टिकल्स उसके बाद में लिखना शुरू किया कि जवान या गदर 2 के बारे में नाना पाटेकर ने ये बात कही है, क्योंकि उन्होंने नाम तो लिया नहीं था नाना पाटेकर जी ने, तो आर्टिकल्स में ये कहने का प्रयास किया कि भाई जवान या गदर 2 के बारे में शायद ये बात नाना पाटेकर जी ने कही है। अब उसके बाद में फिर से नाना पाटेकर जी का एक NBT नवभारत टाइम्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने गदर 2 या द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी को जो नसरुद्दीन शाह ने टारगेट किया और इन फिल्मों की सफलता को डिस्टर्बिंग बताया, तो उस पर नाना पाटेकर जी ने काफ़ी करारा उत्तर दिया कि भाई राष्ट्रवाद में क्या समस्या है, अपने देश से प्रेम करना, उसको गर्व के साथ में प्रस्तुत करना, इसमें कौन सी प्रॉब्लमेटिक बात है, चाहे गदर 2 हो या अन्य कुछ फिल्में। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसको लेकर तो आपको उनसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात राष्ट्रवादी फिल्मों को लेकर मुझे तो कम से कम नहीं लगती, ये बात उन्होंने कही। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि गदर 2 के जो डायरेक्टर है अनिल शर्मा, उनके साथ में वो अगली जो फिल्म है अनिल शर्मा जी की वो कर रहे हैं नाना पाटेकर जी। तो जो कुछ लोग कह रहे थे कि नाना पाटेकर जी ने जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वर्तमान में उन्हें एक हिट हुई फिल्म को देखा और उनसे वो देखी नहीं जा रही थी, असहनीय थी, इसको लेकर जो लोग कह रहे थे ना कि भाई गदर 2 को नाना पाटेकर जी ने कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि गदर 2 को उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उसी के गदर 2 के ही डायरेक्टर के साथ अनिल शर्मा जी के साथ में वे अपनी अगली फिल्म लेकर के आ रहे हैं, उसमें वे काम कर रहे हैं, और साथ में ही नसरुद्दीन शाह ने जो कुछ गदर 2 को, द केरला स्टोरी को, कश्मीर फाइल्स को टारगेट किया, उस पर भी उन्होंने करारा उत्तर दिया कि भाई राष्ट्रवाद में क्या समस्या हो सकती है। तो जो एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि हाल ही में एक सफल हुई फिल्म उनसे देखी भी नहीं जा रही थी, तो मेरे अनुसार वो फिल्म जवान के बारे में ही वे कह रहे होंगे, इन दोनों इंटरव्यूज से मेरा तो कम से कम ये अनुमान है। बाकी आपको क्या लगता है कि नाना पाटेकर जी ने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें किस फिल्म को घिनौनी या असहनीय कहा था, मेरा तो अनुमान मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में नवभारत टाइम्स के साथ जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने अनिल शर्मा जी के साथ भी अगली फिल्म अपनी लेकर के आ रहे हैं, हालांकि नाना पाटेकर जी ने ये भी कहा अनिल शर्मा जी से कि गदर 2 इतनी बड़ी सफल फिल्म हुई और उसके बाद में तुम ये अगली इतनी एक भावुक कर देने वाली, इतनी इमोशनल फिल्म लेकर के आ रहे हो, एक माँ और बेटे के क्या बीच के प्रेम के मातृत्व के ऊपर जो फिल्म लेकर के आ रहे हो, तो क्या सच में ये करना चाहते हो? तो अनिल शर्मा जी ने कहा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो ये भी बात उन्होंने वहाँ पर कही है। तो इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।